फुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब खुश होंगे, खुशहाल होंगे, बेहतर होंगे। तो आज की हमारी रीडिंग है कि आप अपने सोलमेट से कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे अपने सोलमेट से आप। ओके, तो आज की रीडिंग यही है एंड लेट्स स्टार्ट। प्लीज एंजल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टू कार्ड्स लेना चाहूँगी, जिन्हें आप चूज कीजिएगा एंड देन उसके बाद हम आपकी रीडिंग करेंगे। ओके, फर्स्ट वन, पाइल नंबर वन। ओके, द पाथ, दिस इज द पाइल नंबर वन। सेकंड क्या है? ओके, रियलाइजेशन। ओके, एट एंड थ्री, आप नंबर से भी चूज कर सकते हैं नंबरिंग के थ्रू। ओके, तो आपको जो भी ज़्यादा कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है इनमें से, टू कार्ड्स टू पाइल्स हियर, सो आपको जो भी ज़्यादा कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है उसे चूज कर लीजिए। आपको एक दिखा कि एक सिमिलैरिटी इन दोनों कार्ड्स में, एक गेटवे है एंड या यहाँ कुछ बना हुआ है, कुछ बिल्डिंग टाइप एंड या यहाँ पे भी एक ऐसा ही पर्सन है और यहाँ पे भी। और देखो, मैंने आप ही के सामने शफल करके निकाला है। तो यस, आपको जो भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसे चूज़ कर लीजिए एंड देन हम आपको आपकी रीडिंग में मिलेंगे। ओके, हेलो पाइल नंबर वन। तो जिन्होंने भी द पाथ को चूज़ किया है, लेट्स सी आप अपने पर्सन से कब मिलेंगे। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूँ, यू आर ऑन द राइट पाथ। आप राइट पाथ पे हो, आप अपने पर्सन से मिलने की राह पे हो, मीन्स आप अपनी वही राह आपने पकड़ रखी है, स्पिरिचुअलिटी की हो सकती है, किसी भी फील्ड की में हो आप, तो वही राह है जो गॉड आपसे चाहते थे कि आप हो, जिस राह पे चाहते थे कि आप इस राह को चुने, वही राह आपने चुन रखी है, वही पाथ है आपका और उसी पे आपको अपने सोलमेट से मुलाकात होगी। उसी पे आपने, जैसा आपने ख्वाबों में सजाया है, जैसा आपने अपने ख्वाबों में सोचा है, वैसा कोई पर्सन आपको मिलेगा। ये भी हो सकता है ये आपसे कुछ ज़्यादा दूरी पे ना हो या बहुत जल्द आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। मुझे यहाँ पे है ना ये ब्रेसलेट दिखा, आई डोंट नो व्हाई बट या मुझे एक ब्रेसलेट दिखा, यू कैन सी एक हैंड ब्रेसलेट लाइक दिस। ओके, तो या मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा तार है, ऐसा कनेक्शन है, ऐसी चीज़ है जो आप दोनों को कनेक्ट कर रखी है, ठीक है। या आप अपनी अपनी लव को अट्रैक्ट करने के लिए अफर्मेशंस, ब्रेसलेट्स वगैरह वियर कर रहे हैं, रोज क्वार्ट्ज़ वगैरह। लेट्स सी, प्लीज एंजल्स टेल मी, मेरे व्यूअर्स अपने सोलमेट से कब मिलेंगे, पाइल नंबर वन के व्यूअर्स अपने सोलमेट से कब मिलेंगे। ओके, आप में से बहुत सारे लोग अपने सोलमेट को जानते हैं, ठीक है, जैसा मैंने बोला बहुत ज़्यादा दूर नहीं है वो आपसे, पीस ऑफ सॉट, या तो वो आपको स्टॉक कर रहे हैं या आप उन्हें स्टॉक कर रहे हो, या वो आपको स्पाई कर रहे हैं या आप उन्हें स्पाई कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आप या वो, या फिर आप अपने सोलमेट के साथ हों, अभी बातचीत बंद हो, ऐसा भी हो सकता है। तो या इट कुड बी पॉसिबल कि आप अपने सोलमेट के साथ हैं बट या दे आर स्पाइंग ऑन यू, या फिर आप नहीं जानते, वो आपको पसंद करते हैं, या कुछ भी हो सकता है ये। दे आर थिंकिंग अबाउट यू डियर। मुझे है ना ये ऐसे जैसे दुआ करते हैं ना, ऐसे करके दुआ करते हैं या फिर ऐसे, वो लगा कि कोई पर्सन आपके लिए दुआ कर रहा है या आप दुआ कर रहे हो किसी पर्सन के लिए कि मुझे ये पर्सन दे दो, हे भगवान मुझे ये पर्सन दिला दो, हे भगवान मुझे ऐसे पर्सन से मिला दो, हे भगवान ये कर दो। ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आप दुआ कर रहे हो भगवान से कि मिल जाए मुझे वो पर्सन, मिल जाए मुझे अपना पर्सन, मिल जाए मुझे अपना सोलमेट जो मुझे समझे, जो मुझसे बात करे। डेफिनेटली आप इन्हें जानते हैं, डेफिनेटली आप इन्हें जानते हैं डियर, डेफिनेटली जानते हो एंड या यू हैव टू ऑप्शंस आल्सो, यू हैव टू सोलमेट्स आल्सो, क्योंकि हमारे सोलमेट्स एक से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एक पर्सन वो है
जो अभी आया नहीं है आपके लाइफ में, ठीक है, एक पर्सन वो है जो अभी है आपके लाइफ में एंड दे आर स्पाइंग ऑन यू या यू आर स्पाइंग ऑन दैम, ओके, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए दुआएं कर रहे हैं ये पर्सन, या मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप उनके लिए दुआ कर रहे हैं या फिर वो आपके लिए दुआ कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगी आप दोनों के दरमियान, आप कहीं क्लब वगैरह में भी मिल सकते हैं दूसरे से, मंदिर में, मस्जिद में, ऐसे मुझे नज़र आ रहा है, या फिर आप उन्हें सोशल मीडिया पे मिले अपने सोलमेट को, ठीक है, या ओके। तो मुझे क्या दिखा कि मुझे दिखा कि 7, अगर आप अपने पर्सन को नहीं मिले हैं देन आई टेल यू कि आप उन्हें नेक्स्ट 7 वीक्स में मिल सकते हो, या फिर ऐसा हो सकता है आप किसी को रिसेंटली मिले हों या 7 वीक हुए हों, 7 डेज हुए हों, रिसेंटली आप किसी से मिले हों और आपको लगा होगा अरे इससे मेरा कुछ कनेक्शन है ऐसा कुछ, ठीक है, 7 मुझे दिखाई दिया। तो ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा लंबा इंतज़ार किया हो इस पर्सन का, अपने सोलमेट का, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि नेक्स्ट जो जुलाई का महीना होगा ना उसमें भी आप अपने पर्सन को, अपने सोलमेट को मिल सकते हैं, ठीक है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। एंड डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ स्टेइंग एट यू, दिस पर्सन इज़ रियली वेरी एडिक्टेड टू अस यू, ठीक है, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है मे बी आपको ये कुछ दें, मे बी आपको ये कुछ ऑफर करें, या अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपकी तरफ, एंड या मैंने टाइम फ्रेम भी बता दिया है कि आप कब तक मिलेंगे। सो या दिस इज़ योर रीडिंग पैनल नंबर 1, आई होप कि आपको पसंद आई है, अगर आई है देन लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो, लव यू ऑल, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ एंड थैंक यू फॉर योर लव, बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी ये वाला कार्ड चूज़ किया है, फॉर सम आप बहुत लंबे टाइम से सिंगल हैं, या फिर ऐसा हो सकता है आप किसी का वेट कर रहे हैं, यू आर नॉट वेटिंग फॉर द टेम्प्रेरी पर्सन, यू आर वेटिंग फॉर द परमानेंट पर्सन, जो आपके लाइफ में परमानेंट हो, ठीक है, आपको ये बिलीव है, आपका ये ओरा आपको कहता भी है कि यस यू डिजर्व बेस्ट एंड जस्ट वेट, आपके पास जो आएगा सबसे बेस्ट आएगा और एक मैजिकल आएगा कुछ, ठीक है, आपको आपको ये लगता है, आपको ये पता है दैट यूनिवर्स आपको कुछ बहुत बेहतर ही देंगी, यूनिवर्स आपको कुछ बहुत अच्छा ही देंगी। और ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत ज़्यादा लोगों ने ये रियलाइज़ किया हो अभी अभी कि आपका अभी वेट करना सही है, क्योंकि आपकी लाइफ में ताकि वो बेस्ट पर्सन आपके लिए आ सके जो आपको डिजर्व करता है, ठीक है, सो यू आर वेटिंग फॉर द पर्सन जो आपके साथ ता उम्र चल सके, ऐसा नहीं है कि आपको बीच रास्ते में छोड़ के चला जाए, ठीक है। तो यहाँ आपको अभी अभी ये रियलाइज़ हुआ होगा कि आपको वेट करना चाहिए किसी ऐसे पर्सन का जो आपके लिए हमेशा तैयार रहे, जो आपको हमेशा अपनी क्वीन बना के रखे, ठीक है। एंड यहाँ मैंने 3-3 देखा, फॉर सम आप में से बहुत सारे लोग या तो मार्च में इस पर्सन को मिले हैं या अब से 3 महीनों के बाद आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं, क्योंकि मैंने एम्परर का कार्ड देखा, एम्प्रेस का कार्ड, सॉरी, या प्लीज टेल मी एंजल्स मेरे व्यूवर्स कब मिलेंगे उनके इस सोलमेट से। ओके देखो, ओ माय गॉड, आप बिलीव नहीं करेंगे, 3 एंड 3 वापस वही एनर्जी, यू आर वेटिंग फॉर द बेस्ट, यू आर नॉट वेटिंग फॉर द टेम्प्रेरी पर्सन, आप टेम्प्रेरी पर्सन के लिए वेट नहीं कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं परमानेंट पर्सन के लिए। यस, देखो यहाँ पे भी ये पर्सन एक जगह देख रहा है आगे सामने की तरफ, ये पर्सन भी आगे सामने की तरफ देख रहा है कि कोई ऐसा पर्सन आए जो इसको, ऐसा नहीं है कि बस टाइम पास बनाए, जो इसको, देखो कुछ दिखा मैंने, मुझे देखो द स्टार कार्ड, तो ये है ना जो ये पर्सन होंगे, ये आपकी विश होंगे, जैसा आपने सोचा होगा ख्वाबों में, जैसा आपने कभी पाया होगा वैसे ही। और फॉर सम आप इस पर्सन से शादी भी करेंगे, आप इस पर्सन से शादी भी करेंगे सोलमेट से आपके,
बहुत जल्द ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है कि यूनिवर्स देख रही है, यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देगी, यूनिवर्स देख रही है कि आपने कितना लंबा वेट किया है। आप ऐसा हो सकता है आप 3 ईयर से किसी का एक अच्छी रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं 3 साल के लगभग से, ठीक है, लेकिन अब यूनिवर्स आपको भर भर के एक ऐसा प्यार देने वाली है, ऐसा इमोशनल कनेक्शन देने वाली, इमोशनली जो स्पिरिचुअली कनेक्शन, जो ऐसा कनेक्शन देने वाली है जो आपको फुलफिल करेगा, आपकी डिज़ायर्स को, आपकी हर एक इच्छा को जो फुलफिल करेगा, आपकी हर एक, कहते हैं ना, आपकी हर एक इच्छा पूरी होगी। आपको लगेगा कि अरे कोई नहीं, मैंने इतना वेट किया है तो कुछ तो बेहतर मिला ना मुझे। तो यूनिवर्स पे बिलीव कर रहे हैं आप, एंड इट्स रियली वेरी गुड। या एस ऑफ पेंटिकल कार्ड इज हियर, यस यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी इमोशनली, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है, यहाँ पे है 7 of swords, तो ये पर्सन अगर आपको जब देखेंगे ना तो देखते ही रह जाएंगे। मुझे वो सॉन्ग याद आया, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन ये सॉन्ग गाए, ये अगर आप बॉय हैं देन या ऐसा भी हो सकता है कि वो बोले कि चुरा के दिल मेरा सोना मुंडा गया, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ इस ओ पेंटिकल क्या है कि आपको वो ऑफर करेंगे सामने से ये पर्सन, या आपके लिए जस्टिस करेंगे गॉड, ये जस्टिस ही होगी आपकी, आपका आपका कहते हैं ना वेट, आपके सब्र का फल ही देंगे। देखो देखो देखो, लवर्स, आपके लिए ऐसा लवर आ रहा है, ऐसा प्यार आ रहा है, ऐसा पर्सन आ रहा है जो, जिसके साथ, देखो मैंने कहा था ना, जिसके साथ आप एंड करोगे अपनी लाइफ को, जिसके साथ आप शादी करोगे, बच्चे होंगे उसके साथ आपके, जो आपकी तरफ लव को, इस कनेक्शन को, लव के कनेक्शन को, सबसे पहले आप एक दूसरे से अट्रैक्टेड होंगे, अट्रैक्टेड होने के बाद वो पर्सन आपसे प्यार करेंगे, दोस्त होने के बाद प्यार, प्यार से तब्दील करेंगे वो इसको शादी में, प्यार से तब्दील करेंगे वो इसे शादी में। एंड या इट विल बी रियली वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, ये बहुत प्यारी रिलेशनशिप रहेगी आपके लिए। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू बिकॉज 10 of cups कार्ड इज हियर, 9 of wands कार्ड इज हियर, द लवर्स कार्ड इज हियर, मीन्स एवरीथिंग व्हाट यू वांट, ऐसा पर्सन जैसा आपने सोचा था कि जो एक बार मुझे देखे एंड या एक्शन लेने लग जाए, वो ये ना सोचे कि वेट ना करे किसी चीज़ का, या आपको डिले ना करे चीज़ों को, एंड इट विल कमिंग टूवर्ड्स यू। आई एम रियली वेरी हैप्पी डियर। सो या आप अपने पर्सन से मिलने वाले हैं विद इन 3 months, मुझे नज़र आ रहा है विद इन 3 या 6 months। एंड या बहुत ही प्यारा कनेक्शन होगा आप दोनों के दरमियान, यू बोथ आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर, एंड यार इट्स रियली वेरी ब्यूटिफुल कि आप एक प्योर कनेक्शन में जाने वाले हैं। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज, एंड या लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू फॉर, आपको करियर वाइज, आपको लव वाइज, हर तरीके से गॉड आपको ब्लेस करे। दिस इज़ योर रीडिंग, इफ़ यू लाइक इट दैन लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, एंड कमेंट बॉक्स में मुझे बताना ज़रूर कि आपको कैसी लगी वीडियो, ठीक, बताइएगा, ठीक है। सो लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।